हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 11 फिजिक्स में, वो है मोशन सिलेंडर का जो रोल करता हुआ आ रहा है। देखो स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि अगर स्लिपिंग हमने कह दिया तो ऐसे टॉपिक आप यूनिट नंबर 3 और 4 में कर चुके हो, जहां एक्सीलरेशन निकाला जाता था, कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है ऊपर जाते का वर्क डन निकालते थे, वो था स्लिपिंग वाले केस। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बॉडी है सिलेंडर जो है वो बिना स्लिपिंग के रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, चलता हुआ नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में आप जो मोशन है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी रोल प्ले करती है। उसके अलावा जो आपने रोटेशनल कंपोनेंट इस चैप्टर में पढ़े, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वो सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर ये स्लिप होके आता तो फिर स्लिप में तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, स्लिप तो लीनियर मोशन ही हो जाता है। तो हम फोर्स यूज़ करते थे, एक्सीलरेशन में ए यूज़ करते थे, पर अब ये रोल करता हुआ आ रहा है तो फोर्स की जगह टॉर्क यूज़ करेंगे, ए की जगह अल्फा यूज़ करेंगे, जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। सिचुएशन हमें ये कहती है कि एक इंक्लाइन प्लेन आपने दिया जिस पे कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, ये सिलेंडर जिसकी रेडियस आर है, ये जो है लीनियर एक्सीलरेशन की बात करें तो ए और एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो अल्फा। इस एक्सीलरेशन से ये बॉडी नीचे आएगी, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा और जो वेट है बॉडी का वो आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड mg, और इस वेट को जो बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन वो बॉडी पे 90 डिग्री से रहता है, वो है कैपिटल r, इसको स्मॉल r लिख देते हैं रेडियस को। अब इसको रिजॉल्व करते हैं कैपिटल आर को बैलेंस करने के लिए हम वेट को रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें पहले कर रखी हैं आपने। इसको रिजॉल्व करोगे तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको आप बोलते हो mg sin थीटा, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो ये होगी, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, टॉर्क जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोबारा से समझ लीजिए क्या है डायग्राम में। इंक्लाइन प्लेन जो थीटा से इंक्लिनेशन है, सर्कुलर बॉडी सिलेंडर है एक जो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन ए और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर है बॉडी पे, और उसको बैलेंस करने के लिए इस वेट को हमने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ये है डायग्राम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोलिंग सिलेंडर, टॉर्क एक्टिंग ऑन व्हील, टाउ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले जो है आपने पढ़े हैं दो, एक तो आपने टॉर्क को पढ़ा है आर इंटू एफ, साइन थीटा अलग चीज है वो तो हम डिस्कस करेंगे, एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा है इसमें, वो पढ़ा है आई इंटू अल्फा। लास्ट वीडियो हमने की थी जिसमें आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकाला था, तो वहां टॉर्क का फॉर्मूला आया था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। और ए और अल्फा के बीच में रिलेशन आपको पता है, ए इक्वल होता है आर अल्फा, तो यहां से अगर आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी हो तो वो आ जाएगा ए आर। वैल्यूज पुट करते हैं, टॉर्क को क्या लिख सकते हो, टॉर्क को हम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और आई अल्फा की जगह आ गया ए बाय आर। देख लीजिए मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह वैल्यूज पुट की हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो टॉर्क की एक्चुअल वैल्यू पुट की है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है आर क्रॉस एफ, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की है जो कि ए अपॉन में आर होता है। पहले थीटा का रोल खत्म करते हैं, यहां से एंगल किसके बीच में, आर और एफ, ये है आर और ये है एफ, दोनों के बीच में एंगल कैसा है 90 डिग्री का, और साइन 90 क्या हो जाता है 1, तो यहां से साइन थीटा रिमूव करके आर एफ किसके इक्वल आ गया आई ए बाय आर, और ये आर अगर यहां से चला जाता है तो ये हो जाता है आर का स्क्वायर। तो ये तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई जिसको हम फर्दर यूज करेंगे बाद में, ठीक है। अब
अब आते हैं उस चीज पे जो हमें यहाँ निकालनी है, मोशन। तो आपको पता है जब मोशन निकालते हैं तो इक्वेशन बनाते हैं, तो हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ सिलेंडर क्या है। देखिए यहाँ पर मोशन ऑफ सिलेंडर F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स जो मोशन पैदा करती है। फोर्स क्या है यहाँ पर, फोर्स जो उसको मूव करा रही है, ये है वो फोर्स जो उसको आगे की तरफ मूव करा रही है। लेकिन एक फोर्स वो भी है जो अपोजिट डायरेक्शन में, वो है क्या है F। तो टोटल F यानी कि टोटल फोर्स आप कैसे निकालते थे, ये ज्यादा है तभी तो नीचे की तरफ आ रहा है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे तो F की जगह आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस F इक्वल में एम ए। कैपिटल F इज अप्लाइड फोर्स, स्मॉल F इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपको इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। स्मॉल F की वैल्यू आपके सामने है, अभी निकाली है हमने, ये रही वैल्यू पुट करते हैं एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर एम ए। नेक्स्ट उस तरफ ले जाइए एम जी साइन थीटा, इस नेगेटिव टर्म को उस तरफ ले गए तो एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, ए आपने कॉमन लिया, एम प्लस आई अपॉन में आर का स्क्वायर, और इस तरफ चल रहा है आपके पास एम जी साइन थीटा, और ए कॉमन लेने के बाद आ गया आपके पास एम प्लस आई अपॉन में आर का स्क्वायर। आप मोशन निकाल रहे हो तो जो हमने पहले भी आर्टिकल्स ऐसे किए हैं, मोशन का मीनिंग होता है हम क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो यहां से हम किसको अलग करने वाले हैं, ए को। तो ए को अलग करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस आई आर का स्क्वायर। ये है फाइनल रिजल्ट इस टॉपिक का, ये फाइनल फॉर्मूला है एक्सीलरेशन जो हमने निकाला, जो आपको ये बताता है कि कैसे किसी रोलिंग सिलेंडर जो स्लिप नहीं कर रहा उसका मोशन कैसे निकाला जाएगा। इसके दो स्पेशल केस हैं जो हम करेंगे। पहला स्पेशल केस, केस फर्स्ट, अगर यहां पर रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाए, रेडियस ऑफ गायरेशन सबने की है, यानी कि अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर कर ले सेंटर ऑफ मास, तो ये जो R है वो K में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, देन ये फॉर्मूला बन जाएगा A इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय M प्लस आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम के स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस ऑफ डायरेक्शन लेगी तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगली लाइन में एम कॉमन ले लेंगे, एम जी साइन थीटा नीचे से एम कॉमन लिया तो क्या आ गया, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर आर का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट और फॉर्मूला बन गया जी साइन थीटा अपॉन में वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जब आपने क्या लिया, रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म आपने ले ली, या लिख सकते हो केस का नाम इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाहो तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। सेकंड, अगर इसी फॉर्मूले में आप आई की वैल्यू पुट कर दो, अब क्वेश्चन है आई की वैल्यू होगी क्या, आई की वैल्यू आपने पढ़ी है एम आर स्क्वायर, लेकिन वो वैल्यू जो है हर शेप के साथ चेंज हो जाती है। हियर वी आर डीलिंग विद द सिलेंड्रिकल शेप, हम सिलेंडर ले रखा है हमने, तो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, आई फॉर सिलेंडर होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। सिलेंडर के लिए वैल्यू जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर होती है। ऐसी टेबल मिलेंगी आपको बुक्स में जहां शेप अलग अलग होंगी तो उनकी वैल्यूज भी आपके पास अलग अलग होंगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दे तो हाफ एम आर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, नाउ ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एम प्लस आई की जगह रख दिया हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ नीचे आ गया आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर पहले से था, एम आर स्क्वायर हाफ ले लिया, नीचे कैपिटल आर नहीं रखना हो तो मैंने वहां पे कैपिटल आर फॉर्मूले में है, यहाँ तो रेडियस का रोल स्मॉल आर प्ले कर रहा है। तो अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम प्लस एम बाय हाफ क्या हो जाएगा, थ्री एम बाय टू, हाफ को एक से वो करेंगे तो थ्री एम बाय टू हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा नीचे आ गया, 3m by 2 ऊपर आ जाएगा, m से m कट गया, फॉर्मूला आ गया 2 by 3 g sin theta। ये फॉर्मूला कब बना, ये फॉर्मूला बना हमारे पास जब हमने गिवन फॉर्मूले में एक्चुअल बॉडी की वैल्यू रख दी। देखो यहां तक ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूले का मीनिंग ये है कि ये बॉडी हमने अभी सिलेंडर बोली है, स्फीयर भी बोली जा सकती है, सिलेंडर बोली है ना, ये स्फीयर भी बोली जा सकती है, क्योंकि यहां तक अभी ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको सिलेंडर ही कंफर्म हो। यहां के बाद जब आप आई की वैल्यू ये रख दोगे तो अब ये सिलेंडर के लिए वैल्यू आगे निकल के, स्फीयर होती तो स्फीयर के लिए जो वैल्यू होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो रख देते तो फिर वैल्यू आ जाती किसकी, स्फीयर की। तो ये हमारे पास टॉपिक था मोशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना।